हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ जो आगे रखी हुई है। तो ये सारी शॉपिंग मैंने करी है वहाँ से, दुबई से, और तो कुछ मैं लेकर आया हूँ लिटरली। और आते वक्त थोड़ा डर तो मुझे लग रहा था, नो डाउट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोचा कि यार अपनी हार्डवर्क, अपनी मेहनत की कमाई से मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, जो कि नहीं हुआ। ठीक है ना, सब कुछ मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, इतना टाइम वेट कर करके मैंने बनाया है। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गाइस, इसकी जो है सोनी का कैमरा ZV-E10। और गाइस बहुत ज़्यादा हाई पे इसकी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो प्राइस मुझे इंडिया में मिल रहा था उससे थोड़ा और ज़्यादा मुझे दुबई में मिला। लेकिन फिर भी मुझे लेना था, क्योंकि मैं बार बार ऐसे धक्के नहीं खा सकता था, क्योंकि इंडिया में तो ये आउट ऑफ स्टॉक है, इंडिया में मिल ही नहीं रहा है। और जहाँ से मैंने लिया था ये, मैं प्रीवियस आप वीडियो में देख रहे होंगे, जहाँ से मैंने ये लिया है सिटी चॉइस, जो बहुत फेमस शॉप है बड़ दुबई में, और उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी ऑनर, जो भी ऑनर हैं अकरम भाई करके, वो बहुत ही अच्छे नेचर में और काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस मुझे दिया। और आप मेरे चैनल का नाम लेके जाएंगे अगर उनकी शॉप पर रॉडीज ब्लॉग करके कि उनके थ्रू या उनकी वीडियो कर्म आए, तो हाँ डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे या कुछ चीज़ ऑफर करेंगे आपको जो उसके साथ कम्प्लीमेंट्री हो या फ्री में आपको दें। तो एक ये सोनी का ZV-E10 कैमरा है, जो पॉइंटेड, जो मिररलेस कैमरा है। और गाइस ये सारे सोनी के जितने भी, मतलब बहुत जो 3 लाख से ऊपर है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, पर इस कैटेगरी के जैसे कि ZV-600 हो गया, 6100 हो गया, या आपका 6400 हो गया, ये जितने भी कैमरा आते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, फ्लिप आउट स्क्रीन के साथ अब में आते हैं, वो सबका बाप है एक तरह से। और बहुत कम्पैक्ट और बहुत स्मॉल इसका वो है, और सिनेमैटिक शॉट्स, बड़ा ब्ला ब्ला, स्लो मोशन, एवरीथिंग इज रियली रियल नाइस। और सबसे अच्छा इसमें मेरे को फीचर लगा कि जब आप इसको फोकस करते हो किसी भी प्रोडक्ट पे, अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो इनकेस, तो फटाक से फोकस कर लेता हूँ उस पर भाई, मस्त एकदम। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या है इस डब्बे के अंदर मेरे पास में जो है, हालत ही, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो ये कुछ इसकी पुस्तकें हैं, पुस्तकें मतलब इसमें होता है इसका गारंटी कार्ड और इसका मैन्यूल जो है वो है, वही इनमें साइड में रख देता हूँ वही फिलहाल। और ये इसका स्ट्राइप है, ये इसके 3 चार्जर के केबल है, ये एक है थोड़ा अलग टाइप का, मैं इसका पोर्ट आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगेगा, बट ये अभी इंडिया में तो किसी काम का नहीं है। खैर ये यूके ओरिजिन काइंड ऑफ है, ये देखिए ये वाला इसके अंदर है, ये मैं साइड में रख देता हूँ। ये अपना इंडियन है नॉर्मल सा, ठीक है, चार्जर का। और एक और है ये दुबई में, दुबई वगैरह के लिए ये बड़ा सही रहता है ये वाला, देखिए ये 3 इसके साथ आते हैं, ये एक नेशनल वेरियंट है ये। और 2 इसके अंदर चीज़ें हैं, वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम चीज़ें लेंगी आपको देख ले लो। ये इसका छोटा सा चार्जर है, देखिए ये इसका चार्जर है, ये इसका बैटरी है, ये इसकी बैटरी बड़ी छोटी सी कम्पैक्ट सी बैटरी है इसकी, ये भी हम साइड में रख देते हैं। अब आता है इसमें, हाँ ये इसका नॉइस, विंड नॉइस जो होती है उसके लिए ये पर वाला माइक है, ये देखिए ये इसी के अंदर अटैच हो जाता है, मैं अभी आपको अटैच करके भी दिखाऊंगा इसको, देखिए ये पूरा ऐसा अटैच हो जाता है। लास्ट वन नॉट द लीस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब ये कैमरा सोनी का ZV-E10, और मैं बॉक्स में, बॉक्स को भी साइड में रख देता हूँ। तो अब मैं दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए ये कैमरा है, इसके अंदर फ्लिप आउट स्क्रीन आती है, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, और इसको घुमा कर आप अपनी साइड भी कर सकते हो एज ब्लॉगिंग, क्योंकि ब्लॉगर के लिए तो खास करके परफेक्ट कैमरा है ही। उसके साथ साथ आप इससे सिनेमैटिक शॉट, मतलब हाई एंड की जो वीडियोग्राफी भी होती है ना, आप उससे भी कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा इसके किसी और यूट्यूबर के, जिसने प्रॉपर शूट इसमें किया है, आप देखना। तो ये बेस्ट कैमरा है ब्लॉगिंग के लिए तो नो डाउट है ही, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैंने लिया था ये 128 GB का कार्ड, इसका मेमोरी कार्ड इसका एक्सट्रीम प्रो करके है ये, और ये भी मुझे इंडिया से थोड़ा थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इसकी स्पीड आती है 170 Mbps अप टू सेंटिस का ये कार्ड है, ये मैंने लिया था वहीं से। और उसके बाद अब मैंने ये चार्जर भी लिया था फ़ोन के लिए, आईफोन के लिए जो शूट हो रहा है, ये चार्जर लिया था, इसका एडेप्टर लिया था, ये
इसका एडाप्टर लिया था दुबई से मैंने। बाकी आईफोन वगैरह की वॉच वगैरह की वीडियो तो आप देख चुके हैं, ये वॉचेस की थी चार महीने वहाँ से, ये ग्रोथ ही था। इसके अलावा इसके साथ, क्योंकि ये मैंने खाली बॉडी ही है गाइस, ये पूरी कैमरा सेटअप नहीं है, किट लेंस मैंने इसका नहीं लिया। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मेरे को लेना था सिग्मा का लेंस का भी अनबॉक्स मैं आपको करके देता हूँ। कैमरे को हम यार हो गए थे, बड़ा कम्पैक्ट, बड़ा छोटा सा। हाँ, इसका ये जो विंड कैंसिलेशन का ये फर है, इसको हम इस तरीके से इसमें इंसर्ट करते हैं, बस कुछ नहीं करना, ये इंजेक्ट हो जाता है बड़े बड़े प्यार से। ये देखिए, ये हो गया। और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आती है इसके माइक में, नो डाउट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अलग से एक्सटर्नल माइक लगाने की ऐसा जरूरत है, बहुत ज़्यादा अगर नॉइस हो रही है तो आप इसको लगा सकते हो। ये देखिए, अब मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ, अपना ये सिग्मा का लेंस है 16mm का F1.4 DC भी है। सोनी का ये किट लेंस है, सिग्मा कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। ये इसकी गारंटी कार्ड्स वगैरह पुस्तक है इसकी। ये इसका लेंस है, मैं आपको निकाल भी दिखाता हूँ। ये इसका कैप है, ये कैप है इसका, इसके ऊपर लगता है, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और ये है लेंस, आप इससे जो पैकिंग हुआ है, ये देखिए, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लेंस है ये। ये देखिए, ये सिग्मा का लेंस है और बहुत ही अच्छा बूके इफेक्ट देता है। ये 16mm का लेंस है 1.4 DC, और बहुत अच्छा बूके इफेक्ट देता है ये। मतलब अगर आप बैकग्राउंड में ब्लर अच्छा चाहते हो, या फोटोग्राफ में ब्लर चाहते हो, या वीडियोग्राफी में ब्लर चाहते हो, बहुत अच्छा ब्लर देता है ये। मतलब वन ऑफ द बेस्ट लेंस है ये विथ दिस कैमरा। ये मतलब कम्पैक्ट एकदम इसकी के लिए बना हुआ है। और इसके साथ ये भी आता है, आप इसको भी लगा के अपना थोड़ा बहुत लाइटिंग वाइटिंग का कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो, लाइट वाइप को इस तरीके से। और ये भाई इस तरीके से भी लगता है, मैं इसको निकालता हूँ अभी। अरे भाई, ये तो निकल नहीं रहा, हाँ निकल गया। ये इस तरीके से भी लगता है, कभी कभी लोग इसको इस तरीके से भी लगा देते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा पकड़ के लिए, है। और अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ कैमरा को। इसके अंदर यहाँ कैप है, इसको मैं अगर मूव करूँगा ऐसे भी निकल जाना कैप। सिमिलरली इसको निकालूंगा तो ये निकल जाएगा। और एस कैमरे के अंदर भी सेम फंक्शन है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो पता ही है। ये देखिए, किसको ऐसे निकाल देंगे। और हाँ भाई, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बहुत से लोगों को ना ये दोनों चीज़ें फिट करनी नहीं आती, तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये कैसे लगेगा। तो ऑलरेडी इसके अंदर ना एक वाइट डॉट दिया होता है, ये देखिए, ये वाइट डॉट इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली इन्होंने यहाँ पर भी एक वाइट डॉट दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर ये भी एक वाइट डॉट इन्होंने दिया हुआ है। आप इन दोनों वाइट डॉट को आप मैच करोगे, हाँ इन दोनों व्हाइट डॉट को आप मैच करोगे, जब आप इनको मैच कर लोगे तो ये अपने आप ही अंदर आराम से घुस जाएगा। ये घुस गया, अब इसको आपको रोटेट करना है किस साइड में, इस साइड में, मतलब राइट साइड पे। ये देखिए, ये थोड़ा सा वो करने के बाद थोड़ा सा और आपको इसमें फोर्स लगा रहा तो ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली हो जाएगा। और अगर आपको इसको निकालना है तो यहाँ पर इसके एक बटन होता है, यहाँ पर एक बटन होता है इसमें, इसको आप जब प्रेस करोगे और घुमाओगे इस तरीके से ये निकल जाएगा। बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन तो एक बार फिर से लगा के मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज हो गया वाइट डॉट की वजह से, हाँ हो गया राइट। थोड़ा सा और इसको स्पीड से करेंगे, ये हो गया। अब अपन इसमें डालते हैं बैटरी, ना ये बैटरी ये रही है, और बैटरी को डाल के बड़ा इजीली इसको इंसर्ट कर सकते हो आप लाइक दिस। ये देखिए, ये इंसर्ट हो गई है बैटरी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं ऑन, ये ऑन का यहाँ बटन दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर हल्का सा इसको लूप करेंगे तो ये ऑन हो गया। ये देखिए, ये अब ऑन हो गया। अब इसके अंदर ऑन ऑफ के बटन के साथ में ही एक और बटन है, जिसमें आप चेंज करके, ठीक है, स्लो मोशन की वीडियो बना सकते हो, उसके अलावा आप नॉर्मल वीडियोग्राफी कर सकते हो। तीन मोड इसमें दिए हुए, एक फोटो के लिए, एक वीडियो के लिए, और तीसरा है स्लो मोशन वीडियो के लिए। काफ़ी अच्छा ये देता है आपको, और बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत कोई फ्रेंडली यूज़र है इसका, बहुत फ्रेंडली इसका इंटरफेस है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। फ़ोटो खींचनी है तो आप इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोटो क्लिक कर, लो लाइट के अंदर भी आप इसके आईएसओ वगैरह चेंज कर सकते हो, ताकि आपको एक अच्छा इफेक्ट मिले। देखिए, मैं फोटो क्लिक करता हूँ,
काफी अच्छा इसका ब्लर फैक्ट है, आप देख सकते हो। बाकी गाइज होप करता हूँ आपको ये, तो ये था मेरा सिग्मा का कैमरा गाइज, और ये था मेरा सोनी का कैमरा गाइज, और होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो यार आप लोग, धीरे धीरे हम भी ग्रो कर रहे हैं अपने चैनल को, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। जैसे आपने पूरी दुबई की सीरीज मेरी देखी है कि मैंने कितना मेहनत की है, ड्रोन वगैरह सारा शूट उसमें डाला है, और ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका था दुबई के अंदर ही, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार एक नई वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने इसीलिए सारी वीडियो बनाई। और इन सब के बॉक्सेस वगैरह ये सब मैं अलग से अनबैकपुर के लेकर आया था दुबई से, ये बॉक्स मैंने दोबारा यहाँ पे आके सारे सेट किए हैं, आईफोन के बॉक्स को छोड़ के और घड़ी के वॉच को बॉक्स को, ये दो ये वगैरह सब मैंने कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आता है इसमें, स्लो मोशन वीडियो तो ऑसम ही है, मतलब आईफोन वगैरह भी टक्कर नहीं दे सकते इसको अगर आप आईफोन से भी वीडियो बना रहे हो। बाकी चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड ऐसे ही प्यार फैलाते रहो, लोगों को शेयर करते रहो वीडियो, और व्लॉग तो आपको पसंद आते ही है मेरे, और ऐसी मेहनत करते रहेंगे आगे भी, और बाकी सारी चीज़ें यार अपनी मेहनत से खरीदिए, ये किसी के पल्ले पढ़कर या किसी की तरले कर या जैसे लोग करते हैं है ना कि भाई फलानी जगह वो से वो फलाना आ रहा है तो मंगा लो, हम तो खुद जाके लेकर आए हैं भाई, खुद जाके वो ये कर आए हैं। सारा अपना आर्ट को कमाई से लिया हुआ है, कोई ये नहीं कि जैसे लोग करते हैं, बहुत से मैंने देखा है, कुछ मेरे ही फ्रेंड्स हैं पीछे पड़ते रहेंगे बंदियों के कि भाई अपनी बंदी को बोल रहे ये दिला दो वो दिला दो, इस तरीके से करते हो। छोड़ो खैर मेरे नाटा, मिलते बाकी आपसे नई वीडियो, बाय, टेक केयर, लव यू, पीस, बाय। We'll be right back.